तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एडवांटेजेस गिनवाना चाहता हूँ उल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के तो आप उसके बेसिस पे अपना जज कर सकते हैं आपको यूनिवर्सिटी कैसी लग रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट एडवांटेज ये है कि वहाँ पे क्या कहते हैं फीस बहुत ज्यादा कम है ठीक है जो जनरल फीस uh, होती है वो अराउंड रहती है तीन लाख से ऊपर ही रहती है तीन साढ़े लाख चार लाख पांच लाख तक रहते हैं बट उसकी फीस जो है वो है टू पॉइंट फाइव ठीक है इसमें हॉस्टल फीस इंक्लूडेड नहीं है हॉस्टल फीस आई गेस वन टेन थाउजेंड से थर्टी फाइव थाउजेंड के बीच में है डिपेंडिंग अमाउंट कि आप कौन से हॉस्टल में रह रहे हो और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यक उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी यक्रिनपुर के, के अंदर है तो वो चीज़ जो है मतलब यक वो आई गेस फोर्थ लार्जेस्ट है पॉपुलेशन के मामले में और रशिया भाई बहुत बड़ी कंट्री है बट उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा कम है मैं इधर रहता हूँ क्या कहते हैं ऑर्नबर्ग के अंदर यहाँ की पॉपुलेशन आई गेस तीन चार लाख है ज़्यादा नहीं है बट उराल की काफ़ी ज़्यादा है उसकी आई गेस वन पॉइंट वन मिलियन है <laughs> इससे ज़्यादा तो दिल्ली में लोग हैं भाई इस छोटी सी सिटी के अंदर तीन करोड़ लोग रह रहे हैं दो ढाई करोड़ लोग रह रहे हैं तो हाँ तो वो एक चीज़ है बट उससे एक फ़ायदा ये होता है कि आपको एक बेटर ग्राउंड मिलता है क्लिनिकल को सिंपल सी बात है जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा पेशेंट्स और थोड़ा बहुत क्लिनिकल एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिलता है उधर तो ये सेकेंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पर थोड़ा सेल्फ सस्टेनिंग वाला माहौल है मतलब कि आप वैसे बजट पे हो जो लोग वो यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं ऑफकोर्स उनका एक बजट का इशू रहेगा और अच्छी बात ये है उस यूनिवर्सिटी की कि आप उस यूनिवर्सिटी के अंदर पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो ऐसा नहीं कि मैं ये ये चीज़ मैं प्रमोट नहीं करना चाहता कि उससे ऑफकोर्स अपनी स्टडीज़ हेम्पर होती है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी क्या कहते हैं ऐसा सीन होता है कि उनको एक सेल्फ़ सस्टेन करने के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए होती है तो वो उनको वहाँ पे मिल सकती है फोर्थ पॉइंट ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे इतने टाइम से इंडियंस आ नहीं रहे इसके प्रोज भी हैं इसके कॉन्स भी हैं ठीक है एडवांटेजेस भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं एडवांटेजेस है. ये हैं कि uh, सबसे ज़्यादा उधर इंडियंस का एक्सपोजर नहीं है तो जितने लोग हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है क्योंकि मैं जब यहाँ आया था रशिया के अंदर फर्स्ट टाइम तब ऑलरेडी यहाँ पे पाँच साल uh, थे स्टूडेंट्स तो हम छठा बैच था तो जो रशियंस हमें तब ग्रीट करते थे और जो रशियंस अब जो जूनियर्स आ रहे हैं उनको ग्रीट करते थे उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है पहले रशियंस को पता नहीं होता था यहाँ पे कि आप करने क्या आए हो ठीक है तो सब सब जानना चाहते थे आपसे बात करना चाहते थे वो एक इंसिडेंट मैंने अपनी रील में भी शेयर किया था कि फ़र्स्ट ईयर में मेरे को एक ऐसी लड़की मिली थी भाई चल तो है तुम्हारे भाई में चल तो है मैं जाके उससे बात बात करने लगा बात भी क्या कर रहा था ट्रांसलेटर पर उसको मैं लिख लिख के दे रहा था कि क्या कहते हैं वो मुझसे पूछ रही थी कि आप प्रिंस हो मैंने बोला हाँ जी मैं प्रिंस हूँ नजफगढ़ का राजकुमार हूँ तो उसने बोला कि आप स्कूल हाथी पे जाते हो बोला जी हाँ हमारे अस्तवल में दो दो हाथी हैं <laughs> भाई वो बंदी बहुत इंप्रेस हो गई उसको लग रहा था कि मैं बहुत ही अमीर एकदम अनिल अंबानी मुकेश अंबानी वाले उससे आता हूँ और मैं यहाँ पे एज इंटर क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो उनको लगता है कि भाई इनके पास बहुत पैसा तभी दूसरी से कंट्री में आके पढ़ाई करें कैसे हो आप सब लोग I hope सब लोग ठीक होंगे। तो जी हम लोगों ने कुछ नई चीजें शुरू करी हैं जिसको हम क्या कहते हैं एम मतलब बी कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को एम बी मतलब ब्रॉड में एडमिशन लेना है तो अगर आपको मुझसे बात करनी है कुछ डाउट्स है रिगार्डिंग उससे तो नीचे एक लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म्स का आप उसको भरिए और हम बात कर सकते हैं वन ऑन वन ठीक है तो वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं मैं चलता हूं, बाए -बाए, बाए. आज से छः साल पुरानी बात है तो तब ऐसा होता था लोगों को पता नहीं था तो वही चीज़ आप लोगों को हम मैं सीरियसली बताऊँ इतने ज़्यादा इंस्टेंट हुए हैं कि लोग आते हैं आपके पास रैंडमली और आपसे बोलते हैं कि सर हम आपके साथ एक फोटो ले सकते हैं क्यों नहीं बस ऐसी उनको मतलब बहुत अच्छा लगता है देख के ये चीज़ मैंने समारा में भी नोटिस करी थी क्योंकि वहाँ पर भी इतने टाइम से इंडियंस आ नहीं रहे हैं अभी अभी बस रिसेंटली उधर इंडियंस का इनफ्लो बढ़ा है बट जितनी भी नई सिटीज़ होती हैं उन सब के अंदर एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि उधर आपको एक एडिशनल रिस्पेक्ट से देखा जाता है थोड़ा सेलिब्रिटी वाली फीलिंग होती है सिंपल सी बात है आप एक क्या कहते हैं सिटी में हो जहाँ पे एक फॉरनर आ जाए तो कैसे लोग रिएक्ट करेंगे सेम वैसा ही रिएक्शन आपको यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलता है और इसका डाउन साइड ये होता है कि ऑफकोर्स इंडियन ओरिएटेड कुछ होता नहीं है मैं मेरे को नहीं आई डोंट थिंक सो यकीपुर के अंदर कोई इंडियन रेस्टोरेंट है मैंने सर्च किया था बट मुझे कुछ मिला नहीं वहाँ पे तो वो मैं बताना चाहूँगा बाकी और कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि उनको एक पढ़ाने का तरीका नहीं पता होता है इंडियन स्टूडेंट्स को ठीक है कि कैसे क्या पढ़ाया जाता है तो वो चीज़ें आपको एक पाइनियर बैच रहता है उनकी ऑफकोर्स ये प्रॉब्लम रहती है अगर आपको रिमेंबर हो एक सीनियर यूट्यूबर थे मेरे डॉक्टर देवेंद्र सिंह अंगेश उनकी शादी हो गया तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना उनको जाके ठीक है उधम भैया की भी शादी हो गई है उनको भी जाके कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना ठीक है और बाकी भैया लोगों ने क्यों नहीं करी शादी भाई मैं जानना चाहता हूँ हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है ओके okay, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ तो हाँ उनको ये चीज़ उनको फेस करनी पड़ी थी बट उनने जो एक रिस्पेक्ट बनाई है एक आ, क्या कहते हैं इंडियंस के उसमें एक पर्स्पेक्टिव क्रिएट किया कि हम पढ़ते भी हैं मज़े भी करते हैं हम सब कुछ करते हैं तो वो ही चीज़ हमने कैरी फॉरवर्ड करी है इनफैक्ट बस हाँ कुछ कुछ रहे हैं इंसिडेंट्स जिसकी वजह से क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हो तो आप आप नहीं होते हो आप एक तरीके से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो तो अगर आप कुछ गलत करते हो तो ये नहीं है कि अल्फ़ा ने कुछ गलत किया है वो ये होगा कि एक इंडियन ने कुछ गलत किया है तो एक रिस्पेक्ट वाला टैग एड ऑन हो जाता है तो यही है कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बाकी और आपको इसके बारे में क्या चाहिए डिटेल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा आई थिंक हॉस्टल्स की या फिर इन सब की वीडियोस भी आपको शेयर करूंगा क्योंकि वहां पे एक यूट्यूबर है साइलस जो मेरे पॉडकास्ट में आया था तो उसने मेरे को बोला था लेट्स लेट्स मैंने बोला ऑफ़ और वैसे भी भाई मेरा यूट्यूब बहुत टाइम से ऐसे बंद पड़ा था तो मैंने फाइनल ईयर है मजे करने आई गेस यही है वीडियो गाइस आई होप आपको अच्छे लगे बहुत ही शॉर्ट है बहुत ही स्वीट वीडियो है मिलता हूँ आपको नेक्स्ट के अंदर टिल यूजल